सुना दो भाई हरियाणा वालों के ज्ञान से थारे तड़के तड़के धमाकेदार दुख खबरी थारे लिए लाया हूं मैं। बड़ा कसूत्ता धमाका, बड़ी कसूती दुख खबरी हो सरकार ने दी से भाई। जमा यू लगा लो, बड़ा हाल बेहाल कर दिया है हरियाणा सरकार। धमाकेदार दुख खबरी, 9,62,742 बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए हैं। यो एक बड़ा धमाका है, खत्म कर दिए गए हैं। महाझटका पूरे हरियाणा को ये दिया गया है, जिसका संपूर्ण डाटा हम आपको दिखाएंगे। और विधानसभा के अंदर डिप्टी साहब ने हमारे ने जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री हैं, आया सीएम आया सीएम आया सीएम आया सीएम के जिसके नारे आजकल लगन लाग रहे हैं, उसने ये सारा जो है डाटा हमारा जो विधानसभा के पटल पर रखा है। इन सभी के कार्ड दिए गए हैं, देख लेना भाई अपना कटा या नहीं सरकारी धमाका। भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, था हमारे साथ यो था हमने धोखा कर हमारे साथ धोखा से थार। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हरियाणा की परिवार पहचान पत्र हो, बीपीएल राशन कार्ड हो। और आज एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिनका बीपीएल नहीं आया उनके लिए, बड़ी खुशखबरी उसके अंदर देके जाऊंगा। शाम तक आएगी वो वीडियो, डाटा कलेक्ट कर रहा हूं सरकार धमाका उनके लिए करी। दूसरा भाई आयुष्मान कार्ड की मैं कुछ भी हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो अपडेट सबसे पहले देता हूं, सबसे तेज देता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या भाई, डिजिटल पे हरियाणा का एकमात्र चैनल है, सारे लिए डिजिटल पे थारी सुविधाएं मिल जाती है। फॉरम भी मैं भरता हूं किसी योजना का आ जाता है जब, ताकि आप तक जानकारी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक जानकारी समझ में आए, योजना सरकार क्या दे रही है वो बात आप तक पहुंचे। तो भाई अधिक हौसला भी हिम्मत मिलेगा अगर सब्सक्राइब आप करोगे तो। तो साथियों यो आज के प्रमुख प्रमुख समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। प्रदेश में 10,00,000 गरीबों की सूची से बाहर, 10,00,000 परिवारों को 10,00,000 बीपीएल कार्ड जो है हरियाणा सरकार ने काटने का काम कर दिया है। यो पूरा डाटा ये अलग समाचार आज का पत्र है, ये दोनों जो है प्रमुख जो हरियाणा के जितने भी समाचार पत्र है आज के सारा मैं यो फर्स्ट फ्रंट पेज पे टोटली, चाहे कि मैं कोई सही अखबार हो अंग्रेजी का हो हिंदी का हो, सुबह 4 बजे से अखबार पढ़ने लग जाता हूँ मैं। कम से कम 40 से 50 अखबार पढ़ता हूँ, ऑल इंडिया नेशनल हिंदी इंग्लिश, कि मैं कोई जानकारी थारे लिए बचे ना, कोई जानकारी छूटे ना। तो भाई यो तो प्रमुख समाचार पत्र से। हरियाणा सरकार ने बीते 10 महीने में, यो 10 महीने में कौन नहीं काटे, यो अब काटे हैं, यो दिसंबर जनवरी से इनका लाभ बिल्कुल बंद से, बिल्कुल बंद इनका अब काटे हैं। बीते 10 लिस्ट अब आई है, इनको काटा है, नयों को एडजस्ट कर दिया है। हरियाणा सरकार ने बीते 10 महीने में 9,62,742 बीपीएल राशन कार्ड रद्द किए हैं, और यो अभी रद्द किए हैं भाई, 9 महीने में नहीं किए। मैं फिर दोहरा देता हूं, सरकार ने लिस्ट अब जारी किया, इनकी जो सुविधाएं रुकेंगी जनवरी में रुक जाएंगी, इनको अब सबको पता लग जाएगा। अब की बार राशन तो इनको बीपीएल वाला मिल जाएगा, लेकिन अगली बार जब ये बीपीएल वाला जब ये राशन के लिए आएंगे ना डिपो धारक के पास, और डिपो धारक की मशीन में इनका जो है कि मैं ना चीनी मिलेगी ना अगली महीने तो तेल भी आपको सरसों का दिया जाएगा ना वो मिलेगा, तब इन्हें पता लगेगा कि हमारा बीपीएल कट गया। और भाई ना तो किसी डिपो होल्डर से वो करना है, ना सरपंच से करना है, ना किसी की मैं किसी अधिकारी से कभी किसी पे दोष मंडते फिरो कि मारी तो राजनीतिक पार्टी से इसलिए काट दिया। भाई मैं आपको बता दूं, ना तो कोई बनवाने वाला है, किसी को 1 रुपए की मिठाई नहीं खिलाना है कि इसने बनवा दिया, इसने जो क्रेडिट ले मारी वीडियो दिखा दियो, और सरकार उनसे ये पूछ रही चाहे सरपंच चाहे राशन कार्ड धारक बीपीएल जो जो कोटा थारा बांटता है डिपो धारक या अन्य कोई भी, कोई ये कहे ना कि मैंने बनवा दिया थारा, या पूरा सरपंच कहे कि मैंने बनवा दिया, तो उनसे ये कहते सबूत दिखा दे, ताऊ के बयान दिखा दियो, हमारी वीडियो दिखा दियो, ये अपने आप बने हैं फैमिली आईडी से, अपने आप ही कटे हैं। और मत किसी पे दोष मढ़ना कि महाराज इसने कटवा दिया, किसी की कोई ताकत प्रदेश के अंदर नहीं है, ना मुख्यमंत्री की ताकत है ना किसी की ताकत है, क्योंकि चीजें ईमानदार है। तो भाई ना कोई बनवा सकता है ना कटवा सकता है, फैमिली आईडी से स्वेच्छा है सरकार ने काटे हैं, स्वेच्छा है बनाए हैं। तो साथियों 9,62,400 बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, 5 से 10 लाख आय वाले परिवार भी खुद को बीपीएल दिखाकर गरीब लाभ उठाते रहे। परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार ने बीपीएल सूची में फर्जीवाड़ा पकड़ा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मंत्री है, जिसके अंदर ये राशन मामला आता है भाई थारा जो है। यो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ये बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पंचकुला करनाल सोनीपत में गलत तरीके से बीपीएल सूची में शामिल कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने सार्वजनिक किए थे, उन्होंने जो है बहुत लोगों के नाम इसमें भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट के सार्वजनिक किए थे।
दुष्यंत चौटाला जी ने कहा एक के घर में 3 सरकारी नौकर थे और वो जो है बीपीएल का लाभ उठा रहे थे, एक के बढ़िया बिल्डिंग से मकान से सबसे वो बीपीएल का लाभ उठा रहा है। जो उन सभी के कार्ड दिए गए जिनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से ऊपर इनकम है उन सभी के बीपीएल राशन कार्ड कार्ड दिए गए और हरियाणा के अंदर ऐसे लोगों की संख्या 9,62,742 है उनके ये काटे हैं, नाजायज लोगों के ये काटे हैं। और जायज लोग का यदि किसी का करता है भाई चने के साथ घुण भी पीसता है, यो जो है वो कहने वो कहावत है बड़े बूढ़े मारे हरियाणा में कहते हैं भाई चने के साथ घुण भी पीसा करता है, तो भाई जो गरीब पीस गया है उनके लिए भी जल्द आपको बता दूंगा कि आपका यदि कटा है तो इस प्रकार अपना दोबारा जो है इसे रिन्यू करा सकते हो, दोबारा आपका बीपीएल राशन कार्ड बन सकता है। तो साथियों उन्हीं के कटे हैं जिनकी 1,80,000 से फैमिली आईडी में इनकम अधिक है। बहुत से गरीब परिवार की भी वही जो है फैमिली आईडी में 1,80,000 से अधिक इनकम है, उनको पता ही नहीं है फैमिली आईडी से ये चीजें हैं क्योंकि उनको जानकारियों का इतना अभाव रहता है। तो भाई उनको जानकारियों का अभाव जो है जिसका कटे भाई हमें सूचित करें कि हाँ इनका कट गया ये वास्तव में पात्र है, हम उसकी आवाज उठाएंगे और चंडीगढ़ से उसका बीपीएल राशन कार्ड भी बनवाएंगे सरकार के माध्यम से, बनेगा तो सरकार से बनाएगी सरकार, हम जो है सरकार के समक्ष मांग उठा सकते हैं और अधिकारियों के समक्ष मांग उठा सकते हैं। तो भाई उम्मीद है जानकारियों का आप आनंद ले रहे होंगे, आपको ये पसंद आई होगी। ये सभी समाचार पत्रों में यो आज का बड़ा बम्पर ब्रेकिंग है, जनवरी में इनको झटका लग जाएगा आपकी बार तो इनको राशन दिया जाएगा, इस दिसंबर में पता ही नहीं तब लगेगा जब जनवरी में इनको राशन नहीं मिलेगा, अभी तो किसी का यो ही नहीं पता लगेगा मेरा कटा है कि नहीं कटा है। तो भाई थारा भी कट गया यो लगा लो, 9,00,000-10,00,000 बिल बहुत होते हैं अब देख लेना। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत जय हरियाणा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।